और लास्ट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है, ऐसे तो हम अकेले एटम की बताते हैं कि इधर इंक्रीज होती है इधर डिक्रीज होती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी तब है जब कोई एटम बॉन्ड बनाता है। कौन सी बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। जब कोवलेंट बॉन्ड किसी एटम के साथ बनाई हुई है और डिफरेंट एटम के साथ, एक जैसे एटम के साथ अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है तब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। जब कोई एटम क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और का डिफरेंस होता है। ए के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज़्यादा है, ए के पास क्या है? कम है, ठीक है। जैसे हमने आपको कहा था कि हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, ए क्या ले लिया? फ्लोरीन ले लिया। फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये क्या करता है? थोड़ा मुश्किल से, एज कम्पेयर टू कंपेयर करेंगे तो जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो बॉन्ड इन्होंने बनाई है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, उनमें भी क्या होता है? एक हाइड्रोजन का है एक फ्लोरीन का है, लेकिन फ्लोरीन उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसमें स्मॉल नेगेटिव आ जाता है और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है? स्मॉल पॉजिटिव। मीन इलेक्ट्रॉन बीच में ही है लेकिन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड, वो हम पढ़ाएंगे आपको अगले चैप्टर में। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हमने कहा कि इट मीन आपके दिमाग में आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, जैसे इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे पीरियड में जाएंगे साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। साइज क्या होता जाएगा? छोटा हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बीच में पड़े हैं उनको अपनी तरफ खींचने की पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इस कारण हम कहते हैं पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है बच्चे? इंक्रीज होती है। और ग्रुप में जाते हैं तो साइज बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम होती जाएगी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। समझाया। तो इस कारण फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पहले नंबर पर फ्लोरीन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन आ जाती हैं, फिर कार्बन आता है, ठीक है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी है? सीजियम की।